अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए सुजुकी कर्टस का इंजन लेके आया हूँ और ये यहाँ पे ऑटो गियर में पड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छी कंडीशन है। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये इंजन शेयर करता चलूँ और साथ में मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ। चले लेट्स सी, देखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू कर्टस है ना जापानीज, ये उसका इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में भी तकरीबन सेम मॉडल आया था और ये है कि ये ज़रा जापनीज की आपको पता होता क्वालिटी चीज़ की होती है, ठीक है। लोकल से हमारे काफ़ी बेहतर होता है जापनीज। और ये ओवरऑल इसकी कंडीशन है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और ये पाइप वगैरह आप इसके साथ देख सकते हैं जितने जितने लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बाहर पाइप इतने कटिंग करके आते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सामान उन्होंने ऊपर से रिमूव करना होता है, तो फिर जो उनसे होता है वो कर छोड़ते हैं। और ये ओवरऑल आप कंडीशन देख लें इसकी, बिल्कुल साफ सुथरा। ये जनरेटर भी आप चेक कर लें। उसके अलावा इधर से मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता चलूं, तो इधर से आप कंडीशन चेक कर लें। कंप्लीट इंजन है, ठीक है, ये देखें, ये इसकी ओवरऑल मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जापानीज के जो इंजन होते हैं ना बहुत ज़्यादा कम चले होते हैं, इतने ज़्यादा चले नहीं होते। और ये इसको कंप्रेसर भी आप चेक कर सकते हैं, ये इसके कंप्रेसर की कंडीशन है, ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि ये वाला जो इंजन है ना ये ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें मैनुअल नहीं पड़ा हुआ। और कंप्लीट आपको ये इंजन मिलेगा, ठीक है। और आप इसकी आप कंडीशन भी चेक कर लें, अच्छी कंडीशन है। बाकी ये है कि जब पोर्ट वगैरह पे पड़े होते हैं, जारी बात है, और भी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाता है। बाकी इंजन वॉश होगा, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा ये। बाकी ग्रिप वगैरह आप चेक कर सकते हैं और सेंसर वगैरह, हर चीज़ इसकी कम्प्लीट है, ठीक है। और इंजन इंजन्स के काम फिलहाल निकलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू तकरीबन इंजन्स होते हैं। तो ये है कि अभी जो भाई इसका काम करते हैं ना, ज़्यादा उन्हें इन चीज़ों का पता है, ये जो दूसरे भाई इन्हें पता नहीं है। तो बाकी डिटेलिंग जो है ना, मैं इंशाल्लाह उनसे लेके तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी ये इंजन आप देख लें, ठीक है, फाइव स्पीड, ये सॉरी फाइव या फोर स्पीड होगा ये, ठीक है। और ऑटो सिस्टम है ये, ठीक है। बाकी जिसे भी चाहिए होगा फर्दर मैं डिटेल्स आप लोगों को इसकी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो भाई के पास इंजन आया हुआ वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।